डेंगू संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को डेंगू के 4 नए मामले मिले हैं। जिले में कुल डेंगू संक्रमितों की संख्या 157 हो गई है। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड मरीजों से भरा हुआ है। नए मरीजों को नंदानगर स्थित 100 बेड टीबी अस्पताल में बने डेंगू वार्ड में भेजा जा रहा है। आपको बता दें, अक्टूबर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में ही केस दोगुना हो गए हैं। शहर के हर मोहल्ले में डेंगू फैला हुआ है। रविवार को 4 केस नए मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि चारों केस शहरी क्षेत्र के हैं। जिले में अब तक 151 लोगों को घरों में मच्छर के लार्वा मिलने पर नोटिस जारी हो चुकी है। अब तक 11,011 लोगों की डेंगू जांच की जा चुकी है। इसमें से 3,823 लोगों की इलाजा और 7,188 लोगों की NS1 किट से जांच हुई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार आम जनमानस को डेंगू से बचाव के लिए साफ सफाई रखने के लिए अपील किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, डेंगू के वर्तमान समय में 153 मरीज हैं। डेंगू नियमित रूप से घटने के कगार पर है और जगह जगह पर हमारी टीमें जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रही हैं, साथ ही साथ लोगों को मच्छर से बचने के उपाय बता रहे हैं।